गाइज़ वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स एंड रेसिपीज सो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक स्किन केयर वीडियो जो आपके लिए विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि जो आज मैं स्किन केयर वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो स्पेशली होने वाला है आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स के लिए जो कि विंटर्स में अक्सर हो जाते हैं और स्किन हमारी जो है वो डल भी हो जाती है काफ़ी डार्क स्पॉट्स भी हो जाते हैं तो इस वजह से विंटर्स में जो हमारी कलर है हमारी स्किन टोन है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क लगने लगती है साथ में हमारी स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई भी हो जाती है सो so, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूं वो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ होने वाली है जो कि इजिली आपको अपने किचन में मिल जाएंगे सो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा सो so, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है जिसमें हम ये रेमेडी को प्रिपेयर करने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं घर का फ्रेश दही ले रही हूँ स्किन के लिए फ्रेश दही बहुत ही अच्छा रहता है बेटर होगा अगर आप यहाँ पर हंकड़ यूज़ करें तो ये काफ़ी थिक दही था इसीलिए मैंने हंकड़ का यूज़ नहीं किया है उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ ये ग्लिसरीन जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी और ग्लिसरीन आप इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम विंटर्स में इसे यूज करेंगे तो हमारी स्किन थोड़ा सा ड्राई फील कर सकती है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है तो एक चम्मच मैंने यहाँ पर ड्राई स्किन के लिए ग्लिसरीन ऐड कर दिया है देन इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा लेमन ऐड करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो लाइटन हो सके और जो लेमन होता है वो स्किन टोन को लाइटन करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो हमारे स्किन को डार्क स्पॉट से बचाता है देन इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये कस्तूरी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ एक पिंच जितना आपको ऐड करना है और इसे अच्छे से हमें अब यहाँ पर मिक्स करके एक फ़ेस पैक जैसी कंसिस्टेंसी का, का पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है ये काफ़ी अच्छे से बन जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर थिक दही यूज़ किया है अगर आप यहाँ पर हंकड़ यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से ये प्रिपेयर होगा इसके बाद इसे अच्छे से फेस पर अप्लाई कर लेना है तो मैं अब आपको यहाँ पर फ़ेस पर अप्लाई करके भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको इसे अप्लाई करना है मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से इसे यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो फिंगर्स की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं बट थोड़ा सा ये रनिंग होता है इसीलिए फिंगर्स की हेल्प से ये अच्छे से अप्लाई नहीं होगा तो मैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ तो बस यहाँ पर इसे फुल फेस को अच्छे से मैं कवर कर लूँगी आप चाहें तो इसके बाद एक और बार इसे कोट कर सकते हैं बस इसे 10 मिनट के लिए अपने फेस पर ड्राई होने के लिए छोड़ना है और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हमें फेस को वॉश कर लेना है और फेस को वॉश करने के बाद आपको आपकी स्किन थोड़ा सा ड्राई फील ज़रूर करेगी बट थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने फेस पर कोई भी अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर ले तो यहाँ पर पहले मैंने फेस को टावल ड्राई किया है एक्स्ट्रा पानी हटाने के लिए इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो स्किन है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट फील करेगी मुझे फर्स्ट टाइम यूज करते ही इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे लगे थे देन इसके बाद मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल अप्लाई कर लूंगी एलोवेरा जेल यूज करने से जो आपकी स्किन है वो काफी अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाएगी और साथ में हाइड्रेटेड भी रहेगी बट अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो आप यहाँ पर मॉइस्चराइजर का भी यूज कर सकते हैं तो बस इस तरह से दो सिंपल स्टेप्स में आप विंटर्स में अपनी स्किन को ग्लोइंग एंड फेयर बना सकते हैं आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से स्किन ग्लो कर रही है सो so, ये था मेरा आज का वीडियो आई होप कि आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है और काफ़ी इफेक्टिव वर्क करता है आप एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखना जब आप इसे ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट्स पसंद आने वाले हैं सो so, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नए वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय